हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो इस शिफ्ट को जानने के लिए बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स देख सकते हो, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द सन वाली इनकी एनर्जीज़ बनी हुई हैं गाइस। तो ज़रूर ये भले ही अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक नाइट ऑफ कप्स बने हुए हैं। अगर आपके पर्सन के साथ रिसेंटली आपकी अगर कोई कन्वर्सेशन हुई है, या फिर आपने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा जेस्चर इन्हें शो किया है कि यू आर एटलीस्ट एक्टिव एंड आप इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आपने ऐसा शो किया है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके पर्सन आपसे क्योंकि कनेक्टेड हैं, इनको पता है कि आप इन्हें स्पाई करते हो, आप इन्हें फ्रॉम द फार ऑब्जर्व करते हो, आपने भी इस रिलेशनशिप पर से वो उम्मीद नहीं छोड़ी अभी तक, आप स्टिल इनके साथ बने हुए हो। तो ज़रूर गाइस, अगर ये चीज़ें ये दूर से सेंस कर रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी ये आपके साथ फील करते हैं विद द सन एनर्जीज। दे आर रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सिचुएशन। भले ही सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी 3D लेवल पर, कोई उम्मीद शायद नहीं बच रही होगी, लेकिन आपके पर्सन क्योंकि एक नाइट ऑफ कप्स एंड द सन वाले एनर्जीज़ में है, ये ज़रूर आपके लिए स्टिल वो फीलिंग्स फील करते हैं गाइस। और एक प्रपोजल के चलते या फिर एक जेस्चर के चलते ये ज़रूर कोई एक्शन लेने के बारे में ही प्लान कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स हो सकता है यहाँ पर कोई जेस्चर ऑलरेडी शो कर चुके हैं। अगर आप इनके जेस्चर को फाइंड आउट नहीं कर पाए हो गाइस, तो जस्ट गो बैक और इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सर्च करने की कोशिश कीजिए, क्या आपके लिए कोई हिंटिंग या फिर क्लू या फिर कोई स्टेटस इन्होंने ज़रूर लगाया होगा, जहाँ पर एक वे में आपको ये एहसास हो जाएगा कि वो स्टेटस या फिर वो जो भी चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ही के लिए होंगी, और वहाँ पर इनका कुछ हिंटिंग होगा या फिर कोई क्ल्यू में आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप समझ जाओगे गाइस, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई हैं, और यहाँ पर एक फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ हैं। तो ज़रूर ये अभी तक एक उम्मीद में हैं गाइस, अभी तक होल्ड ऑन करके रखा है। 3D लेवल की एनर्जीज पर ये ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इनको पता है 3D लाइफ में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्जन बना हुआ है, लेकिन इनकी जो उम्मीद है, इनकी जो होप है, वो इनका हायर सेल्फ इनको शायद दे रहा है। इसीलिए आपके पर्सन मुझे एक पॉजिटिव शिफ्ट में नज़र आ रहे हैं गाइस। तो ये अपने पास्ट के मेमोरीज को शायद रिकॉल कर रहे होंगे, ये अपने उस जर्नी पर फोकस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जो जो भी इनकी कन्वर्सेशन हुई है और किस वे में आप दोनों ने एक दूसरे को बदल दिया, एक दूसरे की लाइफ को आपने चेंज किया, और जब ये सारी चीज़ों को एक वे में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पास्ट ओल्ड मेमोरीज़ को दोबारा से जब सोच रहे हैं, तो इनके अंदर एक एंथुजियास्टिक अप्रोच बिल्टअप हो रहा है। आपकी जो एक इनको हमेशा से एक पर्सनालिटी शो हुई है, उस पर्सनालिटी के बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको एक तसल्ली मिलती है कि ये जो रिलेशनशिप है या फिर ये जो कनेक्शन है, ये अभी तक एंड नहीं हुआ है, यहाँ पर स्टिल बहुत कुछ बाकी है, एक गिव एंड टेक बाकी है। तो इसीलिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक रिलैक्स्ड, एंड मैं ऐसा कह सकती हूँ कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव इज़ गोना कम ऑन दिस जर्नी या फिर इन दिस सिचुएशन, कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है, ये एक उम्मीद है गाइस, ये गट फीलिंग है। और जब किसी इंसान की गट फीलिंग उससे कुछ कह रही होती है तो उसका एक सच्चाई से नाता होता है, ये सबकॉन्शियस है इनका जो इतना पावरफुली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं ऐसा कह सकती हूँ इनका हायर सेल्फ इनको ये सारी बातें बिलीव करने पर मजबूर कर रहा है, पुश कर रहा है, इसीलिए इनकी एनर्जीज आज बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड एंड पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं गाइस कि ये आपको किन एनर्जीज में देख रहे हैं, यानी कि अगर ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ज़रूर ये आपको किन एनर्जीज में देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं। अगर
मैंने जैसे कि कहा, आप अपने सोशल स्टेटस पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, आप अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक हैप्पीएस्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हो, तो आपकी एनर्जीज इनको वैसे ही शो हो रही हैं। लेकिन ये एक चीज़ और भी जो देख पा रहे हैं, यानी कि आपने खुद से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है इनकी तरफ आगे बढ़ने से। इनको ये भी पता होगा कि आप चुपके चुपके इन्हें ऑब्जर्व करते हो, स्पाई करते हो, इनकी भी ऊपर आपकी एक नज़र बनी हुई है। आप बिल्कुल ही गायब नहीं हुए हो, भले ही सीक्रेटली ही सही, ओके? आप भी इन पर एक वो नज़र बना कर रखते हो, एक डिटेक्टिव पर्सनालिटी आपके अंदर भी है, और इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है आप एक खबर तो रखते हो इनकी, और ये जान रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। और जब इनको पता चलता है कि आप इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करते हो, तो ये थॉट ही इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होता है, क्योंकि बहुत अच्छा फील होता है कि कोई स्टिल हमारे लिए कंसर्न है। और जब ये इन सारी चीज़ों को सेंस कर पा रहे हैं, तो एक अंदर से इनकी पॉजिटिविटी बिल्टअप हो रही है गाइस, और ये खुश हो रहे होंगे। दैट इज़ वाई इनको ऐसा लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में या फिर इस जर्नी में अभी बहुत कुछ गिव एंड टेक बाकी है, अभी यहाँ पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये आपको दूर से शायद ये सेंस कर रहे होंगे गाइस, अगर आप चाहें एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ा दें तो वापस से सारी चीज़ें मेंड हो सकती हैं, लेकिन आप वो स्टेप नहीं लेना चाहते जानबूझकर। आप शायद इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, और आपके पर्सन ये भी जान रहे हैं कि आप इनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, और जैसे जैसे ही ये अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हैं तो आप भी एक रिएक्शन इनके टूवर्ड ज़रूर दिखा दोगे, क्योंकि आप इनके जेस्चर का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे गाइस। जैसे कि बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से हमारी फेमिनिन्स ने भी एक वुमन केव या मैन केव, जिनकी जो भी एनर्जीज हैं वहाँ पर एक सॉलिट्यूड इन्होंने बना लिया है। अगर जितनी भी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, अपने सराउंड एक हार्ड शेल आपने भी बना लिया है। आप वैसे भी अगर सोशलाइजिंग नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को कहीं से तो पता चल रही हैं। आई डोंट नो द सोर्स, यू गाइज मस्ट बी नोइंग वेरी वेल, क्योंकि आप अपने पर्सन को बेटर जानते हो। तो ये जहाँ से भी आप पर एक नज़र बना कर रख रहे हैं, वहाँ से इन्होंने एटलीस्ट ये पता करने की कोशिश की है कि आप जानबूझकर इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। बट ऑल दो आप इनको स्पाई भी कर रहे हो, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एनर्जीज में आपको देख रहे हैं, इन सारी एनर्जीज में। तो अब देखते हैं गाइज के आपके पर्सन हार्ट स्पेस में आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या बन रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देर इज नो डाउट इन इट गाइस कि ये एक ड्रीमी एंड इमेजिनेशन में बने हुए हैं। आपके मैस्कुलिन के माइंड में काफ़ी सारी बातें चल रही होंगी। एक तो आप इनके लिए जिस भी वे में एक मेंटोर की तरह बने रहे, और आपने इनको क्या क्या सिखाया, ये सारी बातें सोच रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स के एनर्जीज ये बात दर्शाती हैं गाइस के आपने इनके टूवर्ड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफर शायद प्रेजेंट किया था, बीइंग द पेज ऑफ कप्स, यानी कि इनकी एनर्जीज इनके हार्ट स्पेस पर है। ये मतलब आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने जो भी इनके टूवर्ड्स प्रेजेंट किया था, इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, और आप दोनों की उस ऑफर को या अपॉर्चुनिटी को इनके एक्सेप्ट करने से आप लोगों की एक फ्रेंडशिप बनी रहती, आप लोगों का ये जो कनेक्शन अभी टूट गया है वो कंटिन्यू रहता, और आप दोनों इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे ग्रो कर पाते। एक चांस इन्होंने ज़रूर मिस किया है, इस बात का इन्हें रिग्रेट भी है कि काश अगर उस टाइम ये थोड़ा सा अपने उस लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड को साइड लगाकर आपके प्रपोजल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो भी हो चुका होता। इस चीज़ का रिग्रेट भी है इन्हें गाइस, बट साथ ही साथ क्योंकि ये एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपको देख रहे हैं, तो ज़रूर ये उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने उस वक्त आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता तो आज क्या ही सिनेरियो होता। ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हम जब कुछ मिस आउट करते हैं तो अगर उस चीज़ को लेकर हम पछता भी रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ भी हमारा माइंड हमें दिखा रहा होता है ऑन अ
लाइक ऑन एन इमेजिनरी बेसिस कि अगर हमने उस ऑफर को सेलेक्ट किया होता तो हम आज इस पोजीशन पर होते या फिर आज हमारा रिलेशनशिप इस लेवल तक पहुंच चुका होता। तो आपके पर्सन यही एक डे ड्रीमिंग में बने हुए हैं, बट इनकी एनर्जीज एक पॉजिटिव क्योंकि बन रही हैं तो रिग्रेट के साथ साथ इनको एक उम्मीद भी है कि इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन में कुछ ब्यूटीफुल भी हो सकता है, कुछ नया और एक पॉजिटिव फ्रेश वे में स्टार्ट भी हो सकता है। यू नो, ये इनकी मैनिफेस्टेशन एक पॉजिटिव वे पर ये चीज़ों को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में एक पॉजिटिव थॉट्स में बना रहता है तो वो उसकी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है गाइस। तो क्या पता इनकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के चलते आपने जो अपने सराउंड जो एक शेल क्रिएट करके रखा है उस शेल से आप फाइनली ब्रेक थ्रू होकर इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले सकें। यू नो, ये इनकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है गाइस, जैसे कि मैंने कहा, जस्ट डोंट फोकस ऑन द डेस्टिनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी। इस जर्नी ने आपको क्या क्या दिया है, इन सारी बातों पर आपने फोकस करना है। अगर आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में इस पर्सन को लेकर बन रही हैं तो रिमेंबर वन थिंग गाइस, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो इस जर्नी पर आप नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। जस्ट लुक एट योर पर्सन इज रियली बींग पॉजिटिव हियर। जब वो पॉजिटिविटी यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं, वो एक उम्मीद में है क्योंकि उनको पता है अभी शायद ये इस एनकरेजमेंट में नहीं होंगे कि ये सामने से आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लें, क्योंकि पास्ट इवेंट्स में इन्होंने आपके साथ बहुत ही बैड बिहेव किया होगा। दे हैव पुश्ड यू अवे ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स एंड रीजन्स। इनको उस वक्त शायद चीज़ें किस वे में प्रोसीड करनी चाहिए समझ में नहीं आया होगा, यू नो, तो उन सारी चीज़ों के चलते इन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी गाइस, और वो आप लोगों के लिए क्योंकि ज़रूरी थी, फाइनली इनका मिस्टेक करना आपको एक ट्रिगरिंग दे गया था जिसको अप्लाई करके आपने अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया और अपने खुद को एक अपग्रेडेड वर्जन में आप लेकर गए। तो जो होता है एक पॉजिटिविटी के लिए ही होता है, तो आपके साथ जो हुआ था आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही था गाइस। तो उस वक्त इनसे यूनिवर्स ने वो स्टेप लेने पर इनको पुश किया था, तो इन्होंने वो स्टेप लिया था। दैट इज़ वाई आपने जो भी पेनफुल सिचुएशन सेंस की वो आपके साथ एक डेस्टाइन वे में होना ही था। आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस हियर? तो यही वजह थी गाइज, इन सारी चीज़ों को एक ग्रज में बनाकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू गाइज जस्ट गेट ब्रेक थ्रू फ्रॉम दीज एनर्जीज, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से फेमिनिन्स की सेम ओल्ड एनर्जीज चल रही हैं, सेम पैटर्न में हमारी फेमिनिन्स बनी हुई हैं। अगर इस पैटर्न से आपको ब्रेक थ्रू होना है तो इस जर्नी पर आपको फोकस करना है, ना कि डेस्टिनेशन पर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम, या फिर आपके पर्सन क्या यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, जजमेंट एंड द एम्परर। तो ऑब्वियसली इनका एक जो फेस है आपके सामने वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस होगा, यानी कि आपको लगता होगा कि इस पर्सन में बिल्कुल ही इमोशंस ही नहीं है, इस पर्सन ने कभी हमसे प्यार नहीं किया, या फिर अगर ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको अपने मैस्कुलिन को लेकर बनी हुई हैं गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, इन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को एक ऐसे फेस के पीछे छुपा दिया है जहाँ पर हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा रूड लगते होंगे, एक वे में इमोशनलेस भी लगते होंगे, लेकिन एक्चुअल में दे आर बीइंग द किंग ऑफ कप्स हियर, एंड किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। और एंड ऑल्सो ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपा भी सकते हैं, यानी कि जो भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आते हैं वो अपने इमोशंस को बहुत ही ब्यूटिफुली छुपा भी सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को छुपा सकते हैं। बट यहाँ पर द वर्ल्ड एंड द जजमेंट वाली एनर्जीज यही कहती हैं गाइज कि एक कंप्लीशन आप लोगों की बाकी है, यहाँ पर एक और चांस आपको इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए मिलेगा, आइदर टू यू या फिर टू योर मैस्कुलिन। एक दोबारा से यूनिवर्स यहाँ पर आपको चांस देगा, क्योंकि द वर्ल्ड इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स, इजंट इट? तो यूनिवर्स इज टेकिंग सम
स्टेप हियर, अगर आप लोग फाइनली कुछ नहीं करते हो, और क्योंकि आपके मैस्कुलिन आपके लिए किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में बने हुए हैं, बट आपको शायद ये एक द एम्परर वाली एनर्जीज में अगर शो हो रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पर कुछ इस वे में शिफ्ट होगा गाइस। ये अपने इमोशंस पर काम करेंगे, अपने एक्सप्रेशंस पर काम करेंगे, फाइनली आपके टूवर्ड्स वो जो नाइट ऑफ कप्स ये बने हुए हैं, लाइक इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज ही नाइट ऑफ कप्स हैं, तो इनके लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा कि ये कुछ तो कह सकें आपसे, जो भी सच्चाई इन्होंने छुपाई है या फिर आपका दिया गया ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फाइनली एक और मौका इनको मिलेगा, आइदर फ्रॉम यू या फिर यूनिवर्स की तरफ से एक चांस इनकी लाइफ में आएगा गाइस। कुछ शिफ्ट ऐसे चेंज होंगे कि फाइनली ये खुद हो सकता है आपसे आकर ये बात कहें कि क्या वो ऑफर अभी भी आपके पास प्रेजेंट है, स्टिल दैट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल विथ यू, यही ये पूछने के लिए शायद आ सकते हैं। तो आर यू गाइज रेडी टू गिव देम अ सेकेंड चांस, ये आपको भी सोचना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिनेंस की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा, ये मैं अगर फेमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्ट करूँ तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द एम्परर वाली शायद बन सकती हैं इवन इन द फ्यूचर। अगर आपके मैस्कुलिन आपके टूवर्ड्स कोई अप्रोच दिखाते भी हैं, तो फेमिनेंस का दोबारा से इस कनेक्शन पर बिलीव करना आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक एम्परर वाली एनर्जीज में आने वाले हो, तो शायद आप इनको एक सेकेंड चांस देने के लिए एक सेकेंड थॉट रखोगे, यू आर नॉट रेडी, फाइन, और शायद आप वहाँ पर टाइम ले लोगे या फिर आप भी इन्हीं की तरह बिहेव करोगे कि एक बार आपका टर्न हो गया, अब ये मेरा टर्न है, इस वक्त मैं आपके साथ इस वे में बिहेव करूंगी, तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त मुझे कैसा लगा था, यू नो, एक रिवेंज आप इनसे शायद लेने वाले हो, नॉट एग्जैक्टली गाइस, बट आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर अभी भी कोल्ड हैं। इस पर्सन को शायद अगर आप एक लविंग एनर्जीज में फील करते भी हो, तो सडनली वो सारी चीज़ें, वो कड़वी बिटर मेमोरीज शायद आपको याद आ रही होंगी। यू गाइस शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द जर्नीज, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहाँ है, क्या है, कब मिलेगा पता नहीं है गाइस, लेकिन उस डेस्टिनेशन के चलते आप इस जर्नी को क्यों खराब कर रहे हो, दिस इज माई क्वेश्चन। और शायद जजमेंट वाली एनर्जीज भी आपसे यही कहना भी चाहती है कि आप बहुत फ्यूचर के बारे में सोचकर प्रेजेंट को खराब कर रहे हो, तो अगर आप जर्नी के ऊपर बने रहोगे, जर्नी पर काम करोगे और प्रेजेंट सिचुएशंस पर अगर आप काम करोगे, तो फ्यूचर भी आपका बेटर हो सकता है। तो ये शिफ्ट तो यहाँ पर होने वाला है, आपके मैस्कुलिन ज़रूर आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई एक्शन रखेंगे, लेकिन द क्वेश्चन इज़ क्या आपका रेसिप्रोकेशन उसी वे में पहले की तरह हो सकता है। यू गाइज हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग, ऑलराइट। तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था गाइज, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये आपके लिए कुछ फीलिंग्स या थॉट्स रखते हैं तो वो क्या हो सकती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइज। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।